विभव राय के घर पहुंचे जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। बाघा में 7 अगस्त को हुई थी हत्या, प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग। बाघा में बीते 7 अगस्त को जेडीयू नेता विभव राय की हत्या सैलून में गोली मारकर कर दी गई। घटना के बाद सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी उनके साथ खड़ी है। घटना की कड़ी निंदा करते हुए उमेश कुशवाहा ने आश्वासन दिया है कि विभव राय के हत्यारों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, इसके साथ ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। कुशवाहा ने स्थानीय प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विभव राय की हत्या के बाद से कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी रोष है। इस घटना ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम जनता में भी चिंता का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और दोषियों की खोज जारी है। हालांकि अभी भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया।